अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहीम मोबाइल रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जुम्मे का दिन था, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे कोई दुकान खुली नहीं मिली, लेकिन ये एक शॉप मिल गई है। तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए डेली बेस पर एक वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं आया हूँ सोनू भाई के पास। तो आज हम तकरीबन 25 से 35 हज़ार की रेंज के दरमियान मोबाइल्स का रिव्यू करेंगे। कुछ उसमें रेडमी के होंगे, कुछ वीवो के। तो जानेंगे उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में और फिर उनकी गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और एंड पर जानेंगे हम उनकी प्राइस के बारे में कि सेकंड हैंड उनकी क्या प्राइस चल रही है आजकल मार्केट में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओप्पो A16 से और बात करते हैं सोनू भाई से, उनसे पूछते हैं इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और फिर इसके बाद पूछेंगे इसकी सेकंड हैंड प्राइस के बारे में कि मार्केट में इस वक्त इसकी क्या प्राइस चल रही है। तो सोनू भाई, आप हमें बताएं पहले, सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये ओप्पो का A16 है, थोड़ा ऊंचा A16 है। 4 GB इसकी रैम है, 64 GB इसकी मेमोरी है, 5000 mAh इसकी बैटरी है, साइड फिंगर लॉक है, बैक कैमरा इसका 13 MP है, सेल्फी कैमरा इसका 8 MP है। बहुत अच्छी डिवाइस है। 29,000 रुपये की इसकी इनवाइस है मार्केट में इस टाइम। अब ये 15 से 20 दिन यूज़ हुआ हुआ है, ये आपको 23,000-23,500 रुपये का अच्छी कंडीशन में मार्केट से मिल जाता है। सही। इसकी रीसेल वैल्यू अच्छी है, 1 से 1.5 महीना मजीद ये यूज़ होकर 1,000 रुपये लेस करके फिर मार्केट में सेल हो जाता होगा। ठीक। और ये गेमिंग के हिसाब से, जिस तरह आजकल पबजी गेम्स हैं और इस तरह की दूसरी, उनके लिए कैसे मोबाइल? ओप्पो A16 एक कैमरा फ़ोन है। सही। ये गेमिंग फ़ोन है। ठीक। इसको आप गेम लाइट खेल सकते हैं, पबजी लाइट, लेकिन पबजी नहीं है आपको खिलाएगा, क्योंकि ये कैमरा फ़ोन है। सही। और उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं Y33S की, तो इसके बारे में भी आप हमें बताएं, गाइड करें। वीवो का Y33S 40,000 रुपये की इनवाइस में आया है, अच्छी डिवाइस है, LCD में है, साइड फिंगर लॉक है, 48 MP बैक कैमरा है, 16 MP इसकी सेल्फी कैमरा है, LCD में अच्छा एक डिस्प्ले है, 5000 mAh की बैटरी में है। 40,000 की मालियत का ये मोबाइल मार्केट में 1 से 1.5 महीना यूज़ होकर तो आपको 30 से 32 हज़ार की रेंज में मिल जाता है। सही है। कंडीशन ठीक। ये भी कैमरा फ़ोन है। सही। पबजी के लिए आपको दूसरी डिवाइस दिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू। और उसके बाद अगर A54 की बात करें, तो इसके बारे में भी आप हमें गाइड करें, बताएं स्पेसिफिकेशंस और प्राइस। हाँ जी, जहाँ सेल्फी की बात आए और ओप्पो A16 के बाद अगर A54 जो मॉडल है जी, इसकी सेल्फी कैमरा 16 MP है, बैक इसकी 13 है, 3 इसमें लेंस है वाइड एंगल के साथ, 5000 mAh की बैटरी में, साइड फिंगर लॉक के साथ, डब्बा बैग ये 32,000 रुपये का है, 1 से 1.5 माह यूज़ होने के बाद मार्केट में ये 25 से 26 हज़ार रुपये की मालियत का फोन है, जो कि अच्छी डिवाइस है और ये आपको पबजी भी खिलवा देता है। सही। और अगर उसके बाद हम आ जाएँ रेडमी पर, तो रेडमी नोट टेन जो है तो इसके बारे में भी आप हमें बताएं फिर। जी बिल्कुल, ऐसे है कि पबजी की बात आए और MI का नाम ना आए। सही। तो MI एक बेहतरीन ब्रांड है जिसके स्नैपड्रैगन प्रोसेसर बहुत अच्छे हैं। अब इसमें एक लॉन्च किया गया 2021 में मॉडल Note 10। सही। ये Redmi Note 10 4 GB 128 GB में है, ठीक, 5000 mAh की बैटरी में है, 48 MP कैमरा है, 665 स्नैपड्रैगन के साथ एक बेहतरीन सेट है, पबजी के लिए भी ये स्ट्रीम खिलवाता है, HD में अच्छा रिजल्ट देगा, साइड फिंगर लॉक है, और इसकी मालियत 32,000 रुपये की इनवाइस में ये डिवाइस लॉन्च की गई, जो कि 30,000 रुपये 28, 29, 30 की रेंज में अच्छी डिवाइस मिल जाती है। सही। और उसके बाद जो हमारे आज की वीडियो का लास्ट मोबाइल है Redmi 10, तो इसके बारे में भी आप बताएं फिर हमें। रेड नोट 10 के बाद अगर कोई 6 GB 128 GB में लॉन्च किया गया Redmi 10, 50 MP इसकी बैक कैमरा है, 16 MP इसकी सेल्फी कैमरा है, 720 स्नैपड्रैगन के साथ, 5000 mAh की एक लॉन्ग बैटरी के साथ, 34,000 रुपये की इनवाइस में ये डिवाइस आई है, जो कि यूज़ में 28 से 30 हज़ार की मालियत का मिल जाता है और एक बहुत अच्छी डिवाइस है। सही है। और अच्छा, आप ये बताएं कि मैं वीडियो के एंड पे आपका नंबर भी वीडियो में दे दूंगा, और अगर हमारी वीडियो को देखकर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो उनके लिए कोई खसूसी डिस्काउंट होगा?
जी बिल्कुल भाई, आपके इस रेफरेंस से जो भी क्लाइंट हमारे पास आएगा वो हमारे पास आए यूज़ में, पहले हमारे पास सेट पसंद करें, उसके बाद आपका रेफरेंस दे, बिल बनने के बाद 1,000 रुपये की आपको रियायत है। चलें जी, ये तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। वीडियो में भी मैं आपको दिखा देता हूँ सोनू भाई का नंबर, ये आप देख सकते हैं, जैस का भी नंबर इसमें है, टेलीनॉर का नंबर भी है। और अगर मैं आपको इनकी शॉप की लोकेशन बताऊं तो ये लैया में कॉलेज रोड पर, ये अल हुनैन मोबाइल्स उसके बिल्कुल पास इनकी शॉप है। तो आप लोग इनसे फ़ोन नंबर पर रابطہ करके आ सकते हैं। और आपको ये जितने भी मोबाइल से मेरे ख्याल से तकरीबन बिल्कुल फ्रेश पड़े हुए हैं, तकरीबन सारे फ्रेश हैं, तो ये सारे नज़र आ रहे हैं, तकरीबन सारे फ्रेश मोबाइल्स हैं। आपको बहुत अच्छी प्राइस में बहुत अच्छे मोबाइल्स मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो मैं आपके लिए इस तरह की मज़ीद वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो तक हमें दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।